तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हम लोग के चैनल पर। और एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ कक्षा 12 के लिए जो रसायन विज्ञान है। ये रसायन विज्ञान आपके से एग्ज़ाम में बहुत बार जो है वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन उसके अगर आपको पता है, जैसे कि उसके क्वेश्चन आंसर अगर आप किए रहेंगे तभी उसको आप कर सकते हैं, और नहीं किए रहेंगे तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखने में ही छोटे लगते हैं लेकिन उसके कॉन्सेप्ट अगर पता है तब वो छोटे क्वेश्चन है, वरना फिर वो बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए फिर ऐसे ही हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है। इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। और अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया, ये छोटा ही क्वेश्चन है लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, चलिए फिर देखिए, निम्न में निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, कभी एग्जाम में आपको इस विद्युत वाहक बल को ऐसे डायरेक्ट लिख देता है, वी और वा, ठीक है, ऐसे लिख कर दे देता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, विद्युत वाहक बल इसका मतलब होता है। ठीक है, तो आपको ये आपको समझना है। ठीक, अब देखिए क्या हमें कह रहा है कि हमको एक यहाँ पर समीकरण दे दिया है और यहाँ पर हमें ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, ई नॉट जेड एन प्लस टू, फिर जेड एन, और बराबर में माइनस का 0.76 वोल्ट है। और जो हमें ई और ए जी प्लस ए जी की वैल्यू जो हमको दी हुई है, प्लस का 80 वोल्ट दिया हुआ है। हमसे कह रहा है कि विद्युत वाहक बल बताइए, यानी कि हमें ई नॉट ऑफ सेल ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो फार्मूला जो है वो क्या होता है, तो फार्मूला हम यहाँ पर पहले लिख देते हैं। तो ई नॉट फिर सेल बराबर में क्या होता है आपका, हो जाता है ई नॉट होता है कैथोड पर जो चार्ज होता है, मतलब कैथोड की वैल्यू जो दी होती है, कैथोड पर जो हमारा कैथोड पर जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो, और फिर हमको उसमें से घटा देना है किससे, जो एनोड पर जो सेल की वैल्यू होती है वो, ठीक है, मान होता है उसको हमको उसमें से घटा देना है, यानी कि ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड, ये हमारा जो होता है वो, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर मेन दिक्कत ये आती है कि हम कैसे समझे कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है, मतलब कि हमको यहाँ पर ये तो वैल्यू दी हुई, देखिए ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारा इसमें से कैथोड कौन है और इसमें से एनोड कौन है, ये बड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए हमको यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। अब मान लीजिए अगर आपने पता भी कर लिया कि हमारा ये चीज़ जो है इसका अपचयन हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है, तो हमको ये दिक्कत हो जाएगी कि हम अब कैथोड की जगह पे क्या रखें, एनोड की जगह पे क्या रखें, बड़ी दिक्कत ये होती है। तो मैं उसको बताता हूँ कि क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको उसके पहले जानना होगा कि आपको जो पता होना चाहिए कि ये जो सेल होता है, ठीक है, वैद्युत रसायन में, वैद्युत सेल में जो ये हमारा सेल होता है इसमें दो पोल होते हैं, ठीक है, दो पोल होते हैं ऐसे ऐसे करके। अब ये वाला जो पोल होता है इसमें से एक जो होता है, एक जो होता है वो होता है कैथोड का सेल होता है, ठीक है, और एक जो होता है वो हमारे क्या होता है, एनोड का सेल होता है। ठीक है, एक कैथोड का होता है और दूसरा क्या होता है, एनोड का होता है। ठीक, अभी ट्रिकी बात करेंगे जिससे आप एकदम इजी से उसको याद कर जाएंगे। ठीक है, एक होता है कैथोड का और एक होता है हमारा एनोड का। अब इसमें से एक चीज़ आपको याद रखना है कि जब कभी भी हमारा कैथोड आता है तो कैथोड पर हमेशा हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन कहने का मतलब इसको हम लोग कहते हैं अपचयन, और यही मेन चीज़ है इस क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड पर क्या होता है, तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है उपचयन। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन, एनोड पर क्या होता है, अपचयन। अब यहाँ वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझिए कैसे सॉल्व हुआ। देखिए कैथोड है यहाँ पर, तो इस कैथोड पर हमको पता है कि अगर हमको अपचयन वाली वैल्यू पता चल जाए, यानी कि इन दोनों में अपचयन किसका हो रहा है ये पता चल जाए, तो हम कैथोड की वैल्यू लिख देंगे। और यहाँ पर एनोड है अगर, तो एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि उपचयन हो रहा है, ये ऊ है, अम समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे उपचयन जो हो रहा है इसमें से पता कर ले, अगर उपचयन हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा यहाँ ये एनोड की वैल्यू है, तो रख के हम सॉल्व कर देंगे, ये हमारा ईजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता करेंगे, चलिए एक और ट्रिक बताते हैं आपको हम। पहले इसकी ट्रिक बात कर लेते कि कैसे होगा। तो ये आपको याद रखना है, R फॉर होता है रिडक्शन और O फॉर होता है ऑक्सीडेशन। तो आपको ट्रिक क्या रखनी है, A O यानी कि आओ, आओ से हमारे क्या हो जाएगा, A फॉर होता है एनोड और O फॉर होता है ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, और सी आर से याद रखेंगे, सी आर से यानी कि कैथोड पर हमारा क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो आओ सी आर यानी कि हमारा कैथोड पर क्या हो जाएगा, रिडक्शन, सी आर आओ मतलब कि एनोड पर क्या हो जाएगा,
अब उपचयन हो जाएगा यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी आवश्यक से, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसमें से आगे कि मतलब कैसे पता करें कि इसमें से किसका अपचयन है किसका रिडक्शन। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जब जब चार्ज बढ़ता है तो वो हमारा क्या होता है, वहाँ पर हमारा उपचयन होता है। उपचयन कहने का मतलब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। और जब जब चार्ज जो है जब चार्ज कम होता है, ठीक है, तो हमारा वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हमारा अपचयन होता है। अपचयन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस दो चार्ज है, यहाँ पर क्या है, जीरो है, यानी कि हमारे यहाँ पर चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है। तो यानी कि हमारा ये क्या होगा, उपचयन के अपचयन क्या होगा, अपचयन होगा, बिल्कुल सही। चार्ज कम हो रहा है तो हमारा क्या होगा, अपचयन होगा। अब नीचे आते हैं, नीचे देखिए, यहाँ पर ये प्लस का वन है लेकिन यहाँ पर आ रहा है तो जीरो है, यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज बढ़ा कि घटा, यहाँ भी चार्ज क्या हो गया, घट गया, घट गया, यानी कि इसका भी क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब यहाँ भी अपचयन, यहाँ भी अपचयन, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, है ना, ये ऊपर भी अपचयन नीचे भी अपचयन, यानी कि दोनों पे अपचयन, यानी कि ये तो गलत है, नहीं हो सकता ऐसा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ऊपर में देखिए, अब ये ट्रिक जो है वो कहाँ लगाएंगे आप, ऊपर में, ये वाली ट्रिक कहाँ लगाएंगे, इस समीकरण में लगाएंगे आप। समीकरण में क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर ZN, देखिए ZN जीरो पर है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है, जीरो है। यहाँ पर देखिए कितना है, प्लस का दो है, यानी कि ये क्या है, बढ़ा है, बढ़ा है, यानी कि ये क्या होगा इसका, इस ZN का क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं, ZN का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि उपचयन होगा, ठीक। यहाँ पर देखिए AG प्लस में है और यहाँ पर देखिए AG जीरो में है, यानी कि हमारा बढ़ा कि घटा, यानी कि घटा, घटा यानी कि ये हमारा क्या हो रहा है, अपचयन, यानी कि जो हमारा AG हो रहा है वो हमारा क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन मतलब कि इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बस फॉर्मूले में रख दीजिए, इसको हम मिटा देते हैं, ये मेन चीज़ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए किनारे कर देते हैं यहाँ पर, एक ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए ई सेल है, हमको यही विद्युत वाहक बल याद करना है, ई सेल बराबर में कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, मैंने अभी बताया था आवसिया मतलब कि कैथोड पे होता है रिडक्शन, और रिडक्शन इसमें किसका हो रहा है, एजी वाले का हो रहा है, तो एजी की वैल्यू कितनी दी है, 80, यानी कि हम यहाँ पर लिख देंगे 80 वोल्ट, ठीक है। फिर माइनस है, फॉर्मूले में ही माइनस लगाएंगे, और बचा ये एनोड, तो एनोड हमारा ये है, एनोड पर है माइनस का 0.76, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 0.76 वोल्ट लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसको जोड़ देंगे क्योंकि ये माइनस ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 80 और प्लस में कितना हो जाएगा, 0.76, जोड़ दीजिए इसको कितना होगा, ये होगा हमारा 0.76, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 और यहाँ पर 0, तो हो जाएगा 0 और 8 8 16 16, यानी कि 1.15 हो जाएगा, ठीक है। तो 1.6 हो जाएगा, ठीक है, 6 में 0 ऐड करेंगे 1.56 हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1.56 वोल्ट आ जाएगा, 1.5 और 6 वोल्ट आ जाएगा, ये हमारा सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर छोटा क्वेश्चन था लेकिन आपको कॉन्सेप्ट कितना घूम घूम के लगाना पड़ा, ठीक है, एनोड कैथोड, तो ये सभी चीज़ें अगर आपको पता रहेंगी तभी आप कर पाएंगे, नहीं पता रहेगी तो बिल्कुल भी नहीं आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो चलिए फिर, मुझे लगता है कि आपको वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में भी बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी मैं आप लोगों के लिए ऐसे ऐसी वीडियो लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक यू।